नमस्कार जी। सर जी, मेरा नाम सुखपाल राणा है और मैं गांव सांभड़ी डिस्ट्रिक्ट करनाल से हूँ। यहाँ पे तो मुझे एक एहसास हो रहा है कि जब तक, जैसे 80 करोड़ किसान है हिंदुस्तान में, जब तक हमारी खुद की पार्टी नहीं होगी ना, जैसे अन्ना आंदोलन से पार्टी निकली थी आम आदमी पार्टी, यहाँ से भी किसान पार्टी या लेबर पार्टी ऑफ इंडिया निकलनी चाहिए और हमें खुद सत्ता में आना चाहिए, नहीं तो ये शोषण हमारा कभी नहीं रुकेगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि 80 करोड़ किसान है हिंदुस्तान में, 80 करोड़ सबसे बड़ा वोट बैंक है, इनको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और जो इनका इनका ही सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। बाकी पार्टियां का की बनूंगा जी, आपा अपनी पार्टी बना दी, बाकी पार्टियां का खुंजे लग जूंगे। हाँ बिल्कुल लगानी है, क्योंकि ये उद्योगपतियों की पार्टी है। बाकी आपको भी पता है कि अंबानी अडानी जब इलेक्शन होते हैं तो कितना पैसा देते हैं। अगर मोदी जी अडानी के जहाज में घूमेंगे तो पे बाद में तो उनको पे करेंगे ही ना। एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दी, सब कुछ बेच दी, बेरोजगारी का हाल देख लो, देश की जीडीपी देख लो आप, कंडीशन बिल्कुल खराब हो गया है। तो अगर हमें अपने शोषण को रोकना है ना, जो शोषण हो रहा है हमारा सदियों से ही हो रहा है, चाहे कोई भी पार्टी आए, वो टाइम पे तो कहती है कि अगर मोदी जी के भाषण उठा के देख लो, वो कहते हैं कि भाई हम कर्जा माफ कर देंगे, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे, हम ये इंटरेस्ट कम कर देंगे, हम केसीसी बढ़ा देंगे। अब एक बात सोचो आप, किसान का एक एकड़ की कीमत होती है 30 लाख, उसको केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिलता है, जो 5% भी नहीं होता। अगर ये हमारा केसीसी की लिमिट 5 लाख तक कर दे पर एकड़ की, तो हमें आड़तियों की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं है। और जो 12 लाख करोड़ एनपी है टोटल देश का, उसमें से सिर्फ 2.5 लाख करोड़ किसानों का एनपी है, बाकी जो रह गया 10 लाख करोड़ के आसपास वो इंडस्ट्रियलिस्ट का है। और हर साल ये 4 लाख करोड़, पिछले साल 4,32,000 करोड़ इंडस्ट्रियलिस्ट का जो एनपीए था वो रिट ऑफ किया है इन्होंने। एक होर गल हैगी आ, जब आप गल करते हैं भी किसानी दी, भी अपनी आप एक अलग पार्टी बनानी चाहिए, पर जेडे साडे लोग आ पैसे लेके वोटा पाते हैं। देखो अगर ये तो सभी समाज में दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर किसान को ये पता चल जाए कि अगर उसकी खुद की पार्टी होगी तो उसको जमीन का, जो उसकी फसल का रेट अच्छा मिलेगा, अगर एक बार इलेक्शन में 100, 200, 500 हज़ार की पी ले तो उससे कुछ नहीं फर्क होता, अगर वही क्विंटल पे 1,000 रुपये बढ़ जाए। लोड़ तो सानू हैगी है ना, भी साड़ी सोच पहले क्लियर करने की लोड़ है, आपां नूं बिना किसी लालच तो वोट पानी चाहिए है। जब असी किसी लालच पिछे वोट पाते हैं ता ही तो इदां दीआं सरकारां बणदीआं। ये देश का ये हाल हो गया है। ये जब इलेक्शन होते हैं, अभी सरपंची के इलेक्शन होंगे हरियाणा में, जैसे फुल दारू चलेगी, फुल पैसा चलेगा, कुछ दिन वो एंजॉयमेंट करेंगे, महीना 10 दिन। जेड़ा बंदा पैसे लाऊगा ना वो तो खाऊगा भी ना। हाँ, वही तो बात है ना, फिर 5 साल वो रहूगा। जेड़ा ईमानदार बंदा तो कोई पैसे नहीं है नहीं। हाँ। जेड़ा जे आप चाहते भी आप ईमानदार कोई पार्टी ले आइए, जा कोई ईमानदारी कोई दिखाइए कि जेड़ा बंदे को ईमानदारी होगी तो रुपया नहीं होगा। कठिनाइयां है हमारे अंदर, लेकिन हमें इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। सभी तो ऐसे है नहीं, कुछ क्रांतिकारियों को जो साफ दिल से हैं, जो भला करना चाहते हैं, वो भी तो है ना। नहीं ना, मैं जूथ नू अगे आउण दी भी लोड़। बिल्कुल, जो पढ़ा लिखा है, देखो किसान तक कहते हैं किसान को नहीं पता, मैं किसान का बेटा हूँ, एमए इंग्लिश मैंने एग्जाम्स दे रखे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री राइट नाउ। सो दैट्स द थिंग, वी हैव टू बी यूनाइटेड, यू नो, वी हैव टू फाइंड दोज पीपल हु कैन फेस, हु कैन टेल देम, हु कैन आस्क क्वेश्चंस, यू नो, इफ वी विल नॉट आस्क क्वेश्चंस व्हाट विल हैपन। नहीं, जब इन्ना पढ़े लिखा किसान का पुत्र है, फिर वो क्यों नहीं आप इलेक्शन लड़ता भाई, होरां क्यों वोट पाता है? दैट्स द थिंग। अभी आपने कहा था कि पैसे से, अब जैसे मैं लड़ूं इलेक्शन, घर वाले कहेंगे भाई पैसे कहाँ से लेके आएंगे हम इतना सरपंची में, तू क्यों अपना वो कर रहा है? अपन एक लोड़ है ना यूथ नु, सारे इकट्ठा होने दी। यस यस, देखो इस यूथ को बड़िया पावर होंगे, यूथ एक ताकत रखता सरकार नु बदलने की, सरकार जी चल दी यूथ के सिर पर चल दी, यूथ की जी वोट आ, वोट बेल्ट आ, वो 35% आ। आप राइट कह रहे हो, 40 करोड़ यूथ है इंडिया में, सबसे ज्यादा यूथ पावर है, लेकिन आज बेरोजगारी की वजह से यूथ भी कहीं दूसरे राह पे चल रहा है, उल्टी राह पे। अगर हमने इसका यूटिलाइज नहीं किया यूथ का, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा बर्डन बन सकता है कल को। बट मोदी जी के जो ये बीजेपी का ये सिर्फ धार्मिक उन्माद के ऊपर है, ये राम मंदिर, कश्मीर, पाकिस्तान, इनके पास कुछ वर्ड्स हैं, उसके अलावा ना तो कभी ये रोजगार पे बात करते हैं, ना ही कभी ये जीडीपी पे बात करते हैं, ना ही कभी अब हंगर इंडेक्स में। सरकारां कोल तां इक्को मुद्दा हुंदा भी लोकां नूं पाड़ के रखो ते राज करो, ठीक है ना, ते सरकारां ने किसे नूं काम नहीं देना हुंदा। जे आपां कहीए सरकारां ने कोई काम देना, काम सानूं आप करना पऊगा ते आप लभणा पऊगा। बट लाइक डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है कि लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। पर लेकिन एक बार इलेक्शन होने के बाद ये सिर्फ मंत्रियों की सरकार रह जाती है, एमपी एमएलए की, लोगों को तो ये भूल ही जाते हैं। एक एमएलए आप चुनते हैं, उसके 15 से 20 लाख रुपये महीने का खर्चा होता है, तो कितों आता है वो? सरकार हमारे टैक्स से आता है, हम जो एक बोतल पानी की भी खरीद रहे हैं ना, उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं,
लाखों करोड़ का टैक्स इकट्ठा होता है वो, लेकिन ये वेस्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो इनको इतने पैसे की, अगर या तो सेवा के लिए आना चाहिए राजनीति में, अगर सेवा के लिए आ रहे हैं तो फिर ये इतना पैसा क्यों ले रहे हैं? इलेक्शन से पहले तो कहते हैं कि हम सेवा के लिए लड़ रहे हैं भाई इलेक्शन, और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रेड बत्ती, कोठियाँ, अलग अलग से सुविधाएँ, हर चीज़ में टोल पे सुविधाएँ, 100 तरीके की सुविधाएँ मिलती हैं, पर देश के लिए कोई काम नहीं करता। एक दूसरी बात है, हमारी जनता जाति के नाम पर वोट देती है, धर्म के नाम पर वोट देती है। ये बहुत सा जो पार्ट है ना, 20-30 करोड़ लोग, जो कोर है ना, कोर वोटर्स है बीजेपी का, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ मंदिर चाहिए, हिंदू धर्म चाहिए, ये चाहिए। लोड़ तो होना ये मेन मुद्दे पे मैं आ जाना। हाँ। लोड़ तो सानू है ना, पहले हाँ। समझण दी, अब हमारी आंखें खुल रही हैं। देखो ये बिल्ले के आए ना, हुन जूत समझदार हो गया। अब देखो ये हुन जाग गया जूत, सब कहां से पैदा हुआ, जब इन्होंने बहस नहीं करवाई इस बिल पे, राज्यसभा में भी बहस नहीं करवाई। नहीं तो देश में कानून है कि अगर एक भी एमपी राज्यसभा का वो कहे कि भाई इस पे बहस होनी चाहिए तो उस पे बहस होनी चाहिए। इन्होंने क्यों नहीं बहस करवाई? इंग्लिश में ये बिल लेके आए, 90% जनता को तो इंग्लिश में पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। सीधा इतनी जल्दी की इन्होंने राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया, ध्वनि मत पे बिल पास करवा दिया। तो फिर लोगों ने पढ़ा कि बिल में आखिर क्या है, बिल में आखिर वही है कि आज जो चीज़ बिक रही है ना 20 रुपये की, वो स्टॉक हो जाएगी, जब किसान के पास से जाएगी तो वो सस्ती जाएगी, और जब इनके पास पहुंच जाएगी ना इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, तो वही 20 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये किलो की जाएगी। ये हम इन जनता के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं हम। ये जब इनको पता चलेगा ना मॉल में जाके वही गेहूँ पैक होकर और 100 रुपये किलो मिल रही है, या मक्की का एक बुट्टा वो 50 रुपये का मिल रहा है, तो तब पता चलेगा इनको। तो इसलिए हम लड़ रहे हैं। मेन मुद्दा तो फिर होती है हूँ, आप मैसेज की देना चाहते हैं? मैसेज देखो, यूथ को कहता हूँ कि देख किसानों के लड़के हैं, किसानों से ही जो भी कुछ चल रहा है देश में वो किसानों से चल रहा है। मेरी तो एक इच्छा है मन से, अगर यूथ सुन रहा है मेरी आवाज़, कि किसानों को खुद की पार्टी बनानी चाहिए। वी आर द बिगेस्ट वोट बैंक इन इंडिया, वी हैव टू फाइट द इलेक्शंस इफ वी वांट आवर राइट्स, अदरवाइज देयर इज नो होप। नहीं, जद भी कोई अंदोलन उठा पंजाब की एक इतिहासक पिछली जड़ी रही है, भी जद भी कोई अंदोलन उठा है उस कुछ ना कुछ उभर के लीडर या कोई राजनीतिक पार्टियां लाजमी बनती हैं। सानू असं भी आस रख सकते हैं भी इस अंदोलन के कोई राजनीतिक पार्टी बनूगी? तो हाँ बिल्कुल। तो अब देखो, कांग्रेस को देख लिया हमने, बीजेपी को देख लिया हमने, 10 साल से पहले भी आई थी बीजेपी, अब सभी को तो देख चुके हैं हम। अब हमें खुद के हकों के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा और खुद पार्टी बनानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, यूथ को। जब तक यूथ आगे नहीं आएगा ना, यूथ, क्योंकि यूथ भी तंग है, बेरोजगार है यूथ, पढ़ा लिखा है, उसको समझना पड़ेगा कि भाई कैसे सिस्टम चलेगा, जब ही तुम्हारा सिस्टम ठीक होगा, नहीं तो कोई होप नहीं है इंडिया के लिए। ये एक चीज़ हो रहा है, क्योंकि जो अब इनमें घमंड आया हुआ है ना, उसका कारण एक हो रहा है कि मशीनों से ईवीएम पे जनता से विश्वास उठ चुका है कि भाई ये इलेक्शन जो फेयर होते हैं, क्योंकि आप कहीं का भी इलेक्शन उठा के देख लो, बिहार का इलेक्शन हुआ, लोग तो खिलाफ थे लेकिन ये जीते, कैसे जीते पता तो नहीं है। ये ईवीएम पे नहीं होने चाहिए इलेक्शन, हमारे बैलेट पेपर भी इलेक्शन होने चाहिए। कदम भी जो भी बैलेट पेपर से शुरू करते दो। हाँ बिल्कुल, यूएसए में जब बैलेट पेपर से शुरू हो गया, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आप किसी को भी हैक कर सकते हो, टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि आप दूर से जैम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और जो उसके बाद वो चेक करते हैं ना, वो भी कुल 1-2% का चेक करते हैं, 1-2 मशीनों का, वो सभी का चेक नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, और ये भी हमें बैलेट पेपर पे, अगर ट्रू डेमोक्रेसी बनाना है इंडिया को, तो हमें बैलेट पेपर से चुनाव करवाने पड़ेंगे। धन्यवाद।